स्टूडेंट्स, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी हमने पढ़ा सोलेनोइड के बारे में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। अब ये नया क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट अ न्यू थिंग, जस्ट अ मिक्स ऑफ सोलेनोइड एंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। हमने सोलेनोइड पढ़ा, उसमें वायर्स के बहुत सारे लूप्स होते हैं। उस सोलेनोइड में अगर हम बीच में सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं, तब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। उसको हम सिंपल बनाने के लिए हम एक स्क्रू ड्राइवर, एक स्क्रू ले सकते हैं, इस तरीके से हम स्क्रू ले सकते हैं। उस स्क्रू के चारों तरफ हम एक कॉपर वायर को वुंड अप करके और उसको करंट सप्लाई कर सकते हैं। हम एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखें, इट्स नथिंग बट सोलेनोइड प्लस सॉफ्ट आयरन कोर। इट इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। जो कॉपर वायर होती है उसके ऊपर रबराइज्ड कवरिंग होगी, रैप्ड अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर। एक आयरन का स्क्रू हो सकता है, आयरन की रॉड हो सकती है, उसके चारों तरफ हमने कॉपर की वायर को लपेटा हुआ है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब उसमें करंट पास होगा तब उसका स्ट्रक्चर एक बार हम ध्यान से देखें। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, आयरन का रॉड है, उसके चारों तरफ क्या किया है, कॉपर की वायर को लपेट दिया है। हमने बहुत सारे लूप्स बनाए हैं कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर। जब हम उसमें करंट पास करते हैं, देन इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट। उसका एक पोल नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है एंड दूसरा पोल साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। सोलेनोइड प्लस सॉफ्ट आयरन कोर गिव्स अस इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेट बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जान लें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार मैग्नेट, जैसे कि हम जानते हैं, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म परमानेंट है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट है? इट इज टेम्पररी मैग्नेट। इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। जब तक इसमें से करंट पास होगा तब तक ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। जैसे ही हमने उसका स्विच ऑफ कर दिया, करंट पास होना बंद हो गया, तब ये अपना मैग्नेटिज्म खो देगा। द मैग्नेटिज्म कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन द करंट। इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज बहुत बड़े बड़े क्रेन्स में करते हैं, जहाँ पे स्क्रैप पड़ा होता है, मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स, आयरन के चीज़ें वुडन की चीज़ों के साथ, प्लास्टिक की चीज़ों के साथ, कचरे के ढेर में मिक्स होती हैं। वहाँ पे आयरन को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। बहुत हैवी पावर का करंट उसमें पास ऑन किया जाता है, बहुत हैवी पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, सो दैट जितना भी आयरन मटेरियल हो उस कचरे के ढेर में से बाहर आके सेपरेट आउट हो जाए। इट प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो बार मैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंपैरिजन में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। जैसा कि मैंने कहा कि हम हैवी से हैवी चीज़ों को उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, बार मैग्नेट उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, इट प्रोड्यूसेस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूसेस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। द स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। परमानेंट मैग्नेट को हम परमानेंट कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में
स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग पहली द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स जो है अगर हम कम या ज्यादा कर दें उससे हम उसकी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जो हम उसमें करंट पास कर रहे हैं वो करंट को कंट्रोल करके हम कम या ज्यादा करके अगर हम करंट इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली उसका मैग्नेटिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा गैप्स बिटवीन द टर्न्स, हम अगर इसके टर्न्स का गैप काफी कम कर देंगे तब ज्यादा लूप्स आ जाएंगे, तब इसका मैग्नेटिज्म और भी ज्यादा हो जाएगा। लास्ट द पोलैरिटी इज फिक्स्ड एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बार मैग्नेट है, इसका ये पार्ट नॉर्थ पोल, ये पार्ट साउथ पोल, एंड दिस इज फिक्स्ड फॉर लाइफ, हमेशा के लिए ये बार मैग्नेट का ये पोल नॉर्थ पोल ही रहेगा और ये पोल साउथ पोल रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, अगर मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे रखा है तो मेरे को ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल मिल रहा है। मैंने अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने, तो मुझको यहाँ पे साउथ पोल मिल जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल मिल जाएगा। दैट मीन्स इसका मैग्नेटिज्म और इसके पोल्स आर कंप्लीटली अंडर आवर कंट्रोल। सो पोलैरिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट।